सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज इस वीडियो पर बताया हूँ कि किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप में वीडियो मैसेज भेज सकते हो। अगर आप एक आईफोन यूजर्स हो तो ये डेफिनेटली आपको वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस स्विच को आप कैसे अपने आईफोन में कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम पास की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि अपना ऐप स्टोर ओपन कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपके व्हाट्सएप पे कुछ नया अपडेट तो नहीं है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन लिखा है, अगर अपडेट होगा तो अपडेट लिखा रहेगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप बनता है वो ये है कि आप इसे तुरंत अपडेट कीजिए। मान लीजिए कि आपने ऐप को अपडेट कर लिया, ठीक है। अब आपका जो सेकंड स्टेप होता है, आपको चले जाए अपने व्हाट्सएप में। यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक माइक का ऑप्शन दिखेगा जहाँ से आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली इस पे सिंगल टैप करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका वॉइस का लोगो था वो चेंज होकर वीडियो रिकॉर्डिंग जैसा हो चुका है, राइट। आपको क्या करना है कि इसको होल्ड करके रखना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे होल्ड करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लॉक का आइकन आएगा, तो लॉक पे आप क्लिक कर सकते हो। देख सकते हो कि जो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ से ग्रीन पट्टी कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे नीचे टाइमिंग भी आ चुका है। तो इस तरीके से जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे अपने आईफोन में तो वो सामने वाले को मैसेज चले जाएगा, और साथ ही में आपको जो वॉइस आप जो बोल रहे हैं वो भी चले जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कैमरा स्विच का ऑप्शन दिया है। अगर आपको कैमरा स्विच भी करना है तो कैमरा स्विच करोगे तो सेल्फी कैमरा आपका ऑन हो जाएगा या फिर बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। मेरे केस में मैंने यहाँ पे बैक कैमरा को ऑन किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका पॉज का भी ऑप्शन दिखेगा, पॉज पे क्लिक कर सकते हो। तो अब हमारा रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसे सेंड करना चाहता हूँ। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा मैसेज है वो सामने लोग को जा चुका है। और कुछ इस तरीके से आप अपने आईफोन में भी वीडियो मैसेज को भेज सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जो कि आईफोन यूज करते हैं, ठीक है। और ये सेम चीज़ आप अपने एंड्रॉइड के फोन में भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, वहाँ पे भी आपको सेटिंग दिया गया है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर ऑफ ऑल। जय हिंद।